14 अगस्त वाला व्लॉग है, वो पहले बताएं कैसा लगा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो फिर आप लोगों को देखना बनता है, क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह ना इस टाइम 9 बज चुके हुए हैं और ना मुझे लग गई भूख ऑफिस जाने से पहले। देखें आपका भाई फुल तैयार है इस टाइम, तो मैं सोच रहा हूँ नाश्ता कर लूँ, वही नान चने दिल कर रहा है। नाश्ता वगैरह लेके आके ना नाश्ता करके ऑफिस जाता हूँ, तो जल्दी से जाके नाश्ता लेके आता आपका भाई, ठीक है। Eventually. So guys, ये देख लें, नाश्ते के चक्कर में आपका भाई फुल गीला हो गया, मगर मसला ये हो रहा था वो हो नहीं थी बारिश में, निकलेंगे तो बारिश होगी। मैंने कहा निकले तो हुए, भूख भी लगी, नाश्ता करते हैं, अब भीग गए हैं, कपड़े बदल के फिर ऑफिस निकलते हैं, तब तक बारिश रुक जाए, नहीं तो फिर गाड़ी पे चलेंगे, गाड़ी पे। तब तक के लिए मैं थोड़ा नाश्ता कर लूँ। हेलो व्यूवर, तो अपना जैसे आपको पता सुबह कितनी बारिश हो रही थी, नाश्ता करके मैं ना जल्दी कपड़े बदलने, तो मैं तब से बैठा 2 घंटे से ऐसे ही बैठा रहा, बारिश नहीं रुकी और अभी तक नहीं रुकी बारिश। तो फिर ऑफिस वालों से मैंने माफ़ी मांग ली, मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, मैं गाड़ी पे भी नहीं आ सकता, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपको मैं अभी बारिश भी दिखाता हूँ, ये देखिएगा इस बारिश, ये सुबह का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है फुल। मतलब खैर गैर फिर भी ना मज़े की बारिश हुई है, मतलब कोई वो ज़्यादा आफत वाली बारिश नहीं, मज़े की बारिश है। इससे ज़्यादा अब देखें हवा भी इतनी अच्छी है, कभी हवा बंद तो जाती है, कभी चलती है, मगर अच्छी हवा चल रही है मज़े की। मैं ना अभी फ़िलहाल दही लेने जा रहा हूँ। अब दही अब आप पूछेंगे किस लिए, वो इसलिए कि जैसे आपको पता है नहीं, इस व्लॉग में दुनिया का सबसे बेस्ट पुलाव मैंने आपको दिखाया था, तो आज वही बेस्ट पुलाव दोबारा खाने लगे हैं, आपको भी दिखाता हूँ। मैं आगे फिलहाल जल्दी से जाके दही ले आऊँ, भूख बहुत लग गई, नाश्ता भी नहीं किया मैंने उठ के, खैर जाता हूँ फिर लेके आता हूँ। A little longer than a few minutes later. गाइस ये देखें वर्ल्ड बेस्ट पुलाव, पता नहीं हमने बिरयानी टाइप की शक्ल बना दी, मगर चलो खा के देखते हैं। अभी पहले हल्का फुल्का ना ये दही, थोड़ा सा फिलहाल टेस्टिंग के लिए, ये थोड़े खीरे टेस्ट करके देखते हैं, यो यार चलो कोई नहीं, मजेदार। सो व्यूवर्स, अब आपके भाई ने पुलाव शुलाव खा लिया, इस दुनिया का सबसे बेस्ट पुलाव है, मैं बार बार ये नहीं कह सकता कि जब आपको पता है कि एक दफा अच्छा बनता है तो वो अच्छा बनता है, ये आप लोगों को मानना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मैंने इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया कि बंदा हर टाइम ओवर लगता है, कभी कभी नहीं भी अच्छा लगता यार। आप लोग भी कहते होंगे हर टाइम आता है खाने की वीडियो लगा देता है, खाने की वीडियो ठीक है, थोड़ी बहुत ठीक है जी। पहले मैंने आपसे पूछना है, जो कल 14 अगस्त वाला व्लॉग है, वो पहले बताएं कैसा लगा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो फिर आप लोगों को देखना बनता है, क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है जो मैंने एटलीस्ट 8 घंटे लगा के बनाई है, क्योंकि पहले सोचा फिर वो उसको एडिट करने में मेरी पूरी रात लगी, मैं ऑफिस भी जाना था, मैं सोया भी नहीं सुबह का, सुबह वो 2 घंटे सोया हूँ बस, आके मतलब ऑफिस नहीं जा पाया, इमोशनल डैमेज। तो मैं 12 बजे सोया हूँ, 3 बजे उठ गया हूँ, इतना ही होगा बस उठ के। फिर अब इसलिए आपके भाई ने भी इसलिए कपड़े बदले, क्योंकि अभी बारिश हो गई थी तो मैं नहाने चला गया, तो वीडियो फिर नहीं बनाई क्योंकि रात हो गई थी, तो क्या बनाता। अब मैंने कहा चलो फिर जब कभी बारिश में ना आएंगे तो आप लोगों को दिखा देंगे। तो अब बताएं वो भी लोग कैसा लगा, नहीं देखा तो अभी जाके जरूर देखें, बहुत मेहनत है भाई की, अभी फजूल में व्लॉगिंग नहीं कर रहा, बहुत मेहनत होती है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल वैसे शीशे में चेक करते हैं कैसे आ रहे हैं। अच्छा मुझे तो लग रहा बहुत ही फजूल लग रहा हूँ मैं, आप क्या कहते हैं गाइस, आप लोग तो यही कहना है, तू उल्टा कैमरा करके कौन सा सही लगता है। कोई बात नहीं गाइस। तो ना एक मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी गाइस, कि ना परसों ए पिछले से पिछला व्लॉग छोड़ के ना 2 दिन पहले तलहा साहब ने मंगवाए थे ईयरबड्स, आपको याद होगा ईयरबड्स और ईयरपोड्स जो वो कह रहा था, तो वो आज आए हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें। तो गाइस वो ये आए हैं लेके तलहा साहब, ये देखें ये आए ईयरपोड्स,
बर्ड्स 3 आपको पता है इधर से हमने मंगवाए थे। अब ये खुलती पता नहीं कैसे है। एक आ खैर गाइस इन्होंने मैं खोल लूँ फिर आपको मिलता हूँ। तो गाइस ये थी वो, इसके अंदर थी एयरबोर्ड, इसके ईयरबड। अब तो गाइस अब मसला पता ये हुआ है कि ये जो ईयरबड है ना, ये तला साहब ने लिए हैं, मतलब हमने उसने मंगवाए थे तो ये आए हैं 2 नंबर। समझे दो नंबर किस सेंस में है कि ये डब्बा भी 1 नंबर है, अंदर उसके ईयरबड्स की जो वो केसिंग होती है वो भी बिल्कुल 1 नंबर जैसी लग रही है, मगर उसका साउंड इंतहाई कोई घटिया, ना कोई बेस है ना कोई वो ट्रेबल है, जो मज़ा भी नहीं आता। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी, अगर ये शाओमी ने खुद ऐसा बनाया है तो फिर तो बहुत ही फजूल बनाया है। तो अगर तो ये कंपनी ने ऐसा किया तो उन्होंने बहुत फजूल हरकत किया। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा शाओमी ने ऐसा किया, वही शाओमी बहुत अच्छी कंपनी है। खैर क्या कर सकते हैं हम। तो कंप्लेन की, अब देखो तला साहब ने वापस करवाना है क्योंकि बिल्कुल भी साउंड नहीं अच्छा। मेरे ओप्पो के हैं वो बहुत कहता है, मैंने ओप्पो वाले लगाए हैं, मुझे तो शर्मिंदगी होने लगी कि मैंने इतने पैसे लगा के ईयरबड लिए हैं तो वो भी इतने बेकार। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ब्रांड ब्रांड ही, मगर शाओमी भी ब्रांड ही है यार, इतने अच्छे पता नहीं, तारीफ तो बहुत सुनी थी, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है गाइस। तला साहब ने कंप्लेन की, उन्होंने कहा है कि आप ना जो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो है, अगर आपने अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई है ना तो वो हमें सेंड करें, वो देख के तो हमें अंदाज़ा देगा कि क्या है। तब वो कंपनी को वापस भेजते हैं। तला ने रिक्वेस्ट तो कर दी है कल तक आ जाएगा लड़का लेने। आप बताएं गाइस ऐसे कमेंट में बताएं कौन से ईयरबड्स एंड्रॉयड के लिए अच्छे हैं। मेरे पास ओप्पो एनको W11 और W12 हैं, मगर ये कि इससे अच्छे भी कोई हैं तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि तला साहब की तरह हेल्प ही करते हैं हम लोग। कि मुझे इतना ना, मैं एक चीज़ पर रहता हूँ इन मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे आईफोन, आईफोन पे मतलब दिल आ गया हुआ है, मुश्किल से बड़ी मुश्किल से किसी मोबाइल पे दिल आया, वरना हर 2 महीने बाद मैं चेंज कर लेता था। एक ईयरबड है, फिर एक घड़ी है, मतलब बहुत कम चीज़ें। जैसा मेरे कपड़ों पे होता है, मेरे उन पे दिल आ जाता है, मैं कपड़े ना मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, शूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं पहनता बहुत हूँ शूज़, सैंडल हैं, मतलब किसी दिन आपको ना अपने वो भी दिखाएंगे, शूज़ कलेक्शन, शू कलेक्शन भी दिखाएंगे अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में तो ज़रूर, वरना चुप कर पे कुत्ते। अल्लाह अल्लाह खैर सर। एक ना मुझे याद है अभी भी कहना, एक मैंने मीम आपसे शेयर करनी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, 14 अगस्त भी थी कल, उस वाले से जरा ज्यादा टिच कर रखी। आप रहे आपको मीम कैसी लगी ये जरा देखें मीम। हम 3 भाई मिलकर 125 और तुम 2 भाई मिलकर पूरा मुल्क, क्यों मेरे बाप का मुल्क है। सो गाइस कैसी लगी यार, आपको शायद ना लगी हो, शायद कईयों ने देखी भी हो। तो मैंने तो पहली बार ही देखी, मुझे ऐसे ही, मैंने कहा चलो आपको भी दिखाते हैं कोई अच्छी वीडियो है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो गाइस यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड, और जरूर बताएं कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है और आपका भाई कैसा लगा है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। और आज के व्लॉग के अलावा आपको और भी व्लॉग कैसे लगते हैं वो भी जरूर कमेंट में बताएं। आज जरा मैं उठा हूँ, मौसम भी अच्छा था, तो मैंने कहा चलो बातें कर लें थोड़ी बहुत आपसे, तो ज़रूर बताइएगा व्लॉग आज का कैसा है, पिछले व्लॉग कोई भी जो आपको अच्छा लगा है, नहीं अच्छा लगा, वो सारा कुछ कमेंट में बता दिया करें या इंस्टा पे बता दिया करें, भाई आपका फुली एक्टिव है वहाँ पे भी। अच्छा खैर अब मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह जिंदगी दे तो आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड कीप लाइकिंग वॉचिंग लविंग विलोजिकल शहरोज़।